अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो हम भी ठीक है, लाख 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 करम से। तो आज के अपने ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं और दूसरा आज की वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है और एक नई चीज़ दिखाऊंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को एंड तक देखना। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरिए सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को ऑल पर रख लेना ताकि आने वाली जो भी वीडियो आप तक पहुँच सके। तो आज की वीडियो का आगाज करते हैं, चलिए स्टार्ट। जो चीज़ मैं आज आपको दिखा रहा हूँ तो वो हमने बकरीद के लिए लिया है। तो आप थंबनेल देख के समझ भी गए होंगे कि क्या चीज़ है। तो माशाल्लाह से हमने बकरीद के लिए ये जानवर लिया है। तो आप बताएं कि जानवर माशाल्लाह से कैसा है, और अभी थोड़ा छोटा है और ये फुल बड़ा नहीं है। तो ये लिया है माशाल्लाह से हमने ये जानवर, ये देखो माशाल्लाह, चेक करो। अभी ये खाने में लगा हुआ है माशाल्लाह से, और इसको ट्राली के अंदर दिया है। तो उसको कुतर दे दिया हमने अभी इसके ट्राली के अंदर, और ये कुर्बानी के लिए लिया है माशाल्लाह से। कमेंट बॉक्स में बताना कैसा लगा आपको ये जानवर, माशाल्लाह से है खूबसूरत। और यार एक चीज़ मैंने देखी है कि ये बेचारा मासूम सा है, ये देखो है हम बेचारा मासूम सा। और मुझे माशाल्लाह से बहुत अच्छा लगा। और ये वसीम भाई वालों ने लिया है अपने लिए कुर्बानी के लिए। इसको हमने सोचा यहाँ पर बांध देते हैं तो ये जगह इसके लिए सही भी रहेगी, और एक फायदा ये भी हो गया जो हमने पिंजरे वगैरह हटाया ना, तो इसकी वजह से जगह बच गई थी। तो ये माशाल्लाह से यहाँ पर आ गया। और दूसरा यहाँ पर इसके लिए रस्सी वगैरह बांध कर यहाँ पर इसको बांध दिया है। और ये नई जगह देख के ना अभी असल में ये थोड़ा डर रहा है और बेचैनी है इसको, इंशाल्लाह एक दो दिन में सेट हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा कुर्बानी का जानवर। तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी बता देना कि हमारा ये जो प्यारा सा जानवर है आपको कैसा लगा। यार बहुत ही अच्छा लगा माशाल्लाह से। एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, ये है बेचारा मासूम सा, और बाकी जो मैंने जानवर देखे ना वो असल में डरते भी है और जैसा मारते भी हैं चिड़ा कोते, पर ये माशाल्लाह से बहुत मासूम सा है। आपको तो पता है कि जहाँ पर ये गोडाउन होता है और उधर पर भैंसे वगैरह होती है जो भी गोबर वगैरह देती है, तो उससे ये जो जानवर है मुर्गी वगैरह वो खुश होती है। तो वो गोबर वगैरह चूज़ों ने खा लिया है। और शानी भाई बता रहा था सुबह के टाइम वो खेल रहे थे माशाल्लाह से गोबर के अंदर। और बाकी अभी अपनी मुर्गी वगैरह चेक कर लेते हैं जिसके 10 बच्चे थे, इनमें से कोई सुस्त वगैरह तो नहीं है। और शानी भाई यहाँ से थोड़ी सफाई वगैरह कर रहे हैं, यहाँ पर ये मुर्गी बैठी हुई थी। तो ये माशाल्लाह से बच्चे सेट लगे हुए हैं। तो यार ये जो ब्लैक वाला है ना ये सबसे छोटा है, और बाकी इनके लिए अभी घास वगैरह, वो घास वगैरह लेकर आ गया शानी भाई पहले से ही। और ये देखो ये आपस में, ये देखो ये समझिए मेरे बच्चों के पास आ रही है, तो इसकी वजह से लड़ रही है। तो बीच में कोई चीज़ लगा देंगे ताकि लड़े नहीं। तो इनको भी थोड़ा घास वगैरह भी देते हैं और बाजरा वगैरह भी इनके साथ, और दूसरा इस मुर्गी को भी देना है थोड़ा बाजरा और घास। तो पहले इन दोनों को दे देते हैं, उनको दे देते हैं, तो अब दे देते हैं इस सारी मुर्गी को भी। और अब इसकी बारी लेकर आते हैं, तो इसको भी दे दिया है। अब इसको यहाँ से बंद कर देते हैं, अब ये खाते रहेगा। और दूसरा एक चीज़ आपको नहीं दिखानी थी, पर उससे पहले हम बटेर को भी देख लेते हैं। घास दे दिया शानी भाई ने, और यहाँ से भी सफाई हो गई है, और इनको भी घास देना है। और दूसरा शानी भाई ने इनको भी दे दिया थोड़ा बहुत, तो ये खा के बैठे हैं। इसने मांस पर चली गया था ना तो उसने दे दिया। तो बाकी यार जेकी को हमने नहीं दिया, जेकी को हम हड्डी देंगे, हड्डी वगैरह लेकर आया था शानी भाई। ये रही, इसको खोल के दे देते हैं। ये मुर्गी के पैर हैं, जो मुर्गी वगैरह शॉप होती है ना, वो फार्मी मुर्गी जो होती है हम अक्सर खाते हैं, तो उसके हमने पैर वगैरह इसके लिए मंगवा लिए थे। और दूध का खर्चा यार बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो हमने सोचा इसको ये पैर वगैरह पे हिला लेते हैं नहीं। और जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, गब्बर तो दूध पीता था पर यार दूध वगैरह नहीं पीता, अब ये गोश्त पर ही हिल गया है। तो इस थैली को भी यहाँ पर लटका दिया है, और बिल्ला वगैरह घूमता है वो इसको नहीं खा ले, इधर रखा होता तो वो छिल के खा भी लेता। तो इसको भी एक पैर दे दिया, और दूसरा इसी मुर्गी मुंडी दे दिए। ये देखो अभी खा रहा है ना, ये देखो तंग कर रहे हैं। और बाकी ये शानी भाई भी घास वगैरह दे रहा है खरगोशों के लिए, ये देखो बेचारे भूखे मर रहे हैं। सुबह दिया था और अब जब से दिया नहीं है तो अभी ये बेचारे खा रहे हैं। और जेकी बता रहा था कि जेकी कुत्ता जो होता है ना जब खा रहा हो ना तो उसको तंग ना किया करो, क्योंकि वो जब खा रहा होता है ना तो बहुत गुस्से में होता है, वो समझता है कि मेरे खाने पर कोई ढाका डाल रहा है। तो यार इनको भी थोड़ा बहुत घास दे दिया है हमारे प्यारे प्यारे पैरोट को, तो ये भी माशाल्लाह से अब खुश लगे पड़े। और दूसरा जो मैंने आपको बताया था कि भाई कपड़ा वगैरह लगा लेंगे, आज इतवार भी था तो ये लगाया अभी हमने कपड़ा। ये देखो अभी थोड़ा छोटा लगाया और इसके नीचे और भी लगेगा। और इसे छोटे से भी यही फ़ायदा हो रहा है कि यार धूप वगैरह कम आ रही है, ज़्यादा नहीं आ रही, आ रही है पर हल्की फुल्की आ रही है, पर पहले से बचाव है। और इनके लिए भी थोड़ा बहुत बचाव हो गया है। और बाकी और भी अभी
कपड़ा वगैरह लगेगा। तो यार वो जो बच्चे वगैरह निकल रहे थे कल कबूतर के सराजी के, वो देख लेते हैं कि निकाले इसने नहीं। तो आराम खोल रहा है हमारा छोटा डॉन। तो माशाल्लाह से यार इसने दोनों को दोनों बच्चे निकाल दिए, जो कल मैं आपको अंडा दिखा रहा था ना, दो अंडे मैंने आपको दिखाए थे उसमें से बच्चे निकल रही थे। तो ये देखो माशाल्लाह से ये बच्चे दिए दो छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से, और एक और अंडा दिया। ये अंडे में से निकला है, हाँ ये मेरे ख्याल से अभी से ही निकला है, ताज़ा ताज़ा ये दोनों माशाल्लाह से। तो अब इनको छेड़ते नहीं है और ये बात छा के बैठ जाएगी। और बाकी हमारा ये वाला बच्चा ये रहा, ये देखो माशाल्लाह से। और बाकी ये बच्चा ये माशाल्लाह से बहुत बड़ा हो गया है, आस्ते आस्ते इंशाल्लाह ये भी बड़ा हो जाएगा। और इनको भी ये देखेंगे अभी आस्ते आस्ते बड़े होंगे। इनको बंद कर देते हैं यहाँ से। यहाँ पे ये मिट्टी वगैरह थी, इसमें बुरादा वगैरह था, तो वो हमने भी हमारे कुर्बानी के जानवर को दिया हुआ था, तो उधर से ये सफाई वगैरह की है तो ये निकला है। तो अभी देखो माशाल्लाह से इसमें से पता है क्या क्या खा रहे ढूंढ के। और शानी भाई यहाँ पर पानी वगैरह भी लिया है, तो वो पानी वगैरह करते हैं आस्ते आस्ते। अभी ये धोएगा, देखो यहाँ पर ये से धोकर और उसके अंदर पानी देगा सारे मुर्गों को और हमारे पीट्स को। देखो बाजरा वगैरह भी देना है, इसको भी देना है टिक्की को। और फुलिया तो यहाँ पर ये मस्ती करने में लगा हुआ है। A few moments later. तो यार अभी हमने खरगोशों को भी दे दिया पानी, और शानी भाई ने यहाँ पर ये देखो बतके वगैरह भी वहाँ पर पी रही है। ये देखो ये फुल भर दिया है, और देखी ने भी अपना पेट भर लिया है माशाल्लाह से। और दूसरा ये बाजरा वगैरह साफ कर कर सारों को दे रहे हैं। और ये देखो यहाँ पर भी दे दिया पानी वगैरह, और इनको बाजरा वगैरह और पानी वगैरह दे दिया है, और अब इनको बाजरा और पानी दे रहा है, इनको भी हो गया, और फेंसी को भी दे दिया। तो यार अभी इफ्तारी का टाइम होने वाला है। तो ये था आज का हमारा ब्लॉग। तो उम्मीद करता हूँ हमारा जो ब्लॉग है आपको अच्छा लगा होगा, और आपने एंड तक देखा होगा। अगर एंड तक देखा है और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गया हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि ऐसे अमेजिंग वीडियो और डेली रूटीन ट्रीट्स की जो है वो आप तक पहुँच सके वीडियो की। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो अभी के लिए इजाज़त दीजिएगा, खुदा।